यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को शनिवार को ये धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सेल को अज्ञात नंबर से धमकी भरा संदेश मिला। पुलिस कंट्रोल रूम में मिले इस धमकी भरे मैसेज में कहा गया है कि अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी जैसा कर दिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री के लिए धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। एक तरफ मुंबई पुलिस इस कॉल की जांच में जुटी हुई है और मैसेज भेजने वाले की तलाश कर रही है, तो दूसरी ओर इसे लेकर यूपी पुलिस को इसकी डिटेल भेजी गई है। मुंबई पुलिस से इनपुट मिलने के बाद यूपी पुलिस भी इसकी जांच में जुट गई है। इससे पहले सीएम योगी को कई बार ऐसी धमकियां दी जा चुकी है। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वालों को यूपी पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। इसी साल 23 अप्रैल को एक शख्स ने डायल 112 पर मैसेज कर धमकी दी, जिसमें अपराधी ने लिखा था कि सीएम योगी को मार दूंगा जल्द। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक शख्स ने ट्विटर पर धमकी दी, उसे मुंबई से गिरफ्तार किया गया। एक शख्स ने फेसबुक पर धमकी दी थी, उसे बिहार में गुलवाड़िया चली से पुलिस यूपीआई। मार्च 2024 योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल के सरकारी नंबर पर कॉल आई। जनवरी 2024 आतंकी पन्नू ने वॉइस मैसेज भेजकर अयोध्या में गिरफ्तार तीन आतंकियों को ना छोड़ने पर योगी को जान से मारने की धमकी दी। अप्रैल 2022 व्हाट्सएप पर योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी देने वाले सरफराज को साइबर सेल ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। अप्रैल 2021 डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आया कि सीएम के पास 4 दिन हैं, मेरा जो करना है कर लो, 5वें दिन योगी को मार दूंगा। दिसंबर 2020 डायल 112 के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। नवंबर 2020 डायल 112 के व्हाट्सएप पर योगी को जान से मारने की धमकी का मैसेज आया। नाबालिग लड़का आगरा से पकड़ा गया। जुलाई 2020 डायल 112 पर योगी को जान से मारने की धमकी आई। इसमें कानपुर देहात का 12वीं में पढ़ने वाला लड़का पकड़ा गया। कुछ दिन पहले ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को कुछ शूटर्स ने मौत के घाट उतार दिया था। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। उन्होंने कहा था कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोग अपना हिसाब किताब तैयार रखें। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी भरा मैसेज पहुंचते ही कई राज्यों में एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। इस धमकी भरे मैसेज के बाद मुंबई पुलिस तेजी से इस मामले की जांच कर रही है और अज्ञात शख्स की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।